नमस्कार दोस्तों, मैं पवन आपका मेरे चैनल टेकी पवन में स्वागत करता हूँ। कृपया टेकी पवन चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें। आइए आज के टॉपिक पर चलते हैं। आज का टॉपिक है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ऑर्डिनल अप्रोच, उपभोक्ता संतुलन, क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण या तटस्था वक्र विश्लेषण। उपभोक्ता संतुलन क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण में उपभोक्ता संतुलन से अभिप्राय उस स्थिति से है जब उपभोक्ता अपनी दी हुई आय एवं दोनों वस्तुओं की कीमतें के दिया हुआ होने पर अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है, उसी को हम उपभोक्ता संतुलन कहते हैं। अब इस विश्लेषण में उपभोक्ता संतुलन की दो शर्तें हैं। पहली है MRSXY बराबर PX/PY, अर्थात तटस्था वक्र का ढाल जो कि MRSXY है वो किसके बराबर होना चाहिए, कीमत रेखा के ढाल के अर्थात PX/PY के। द्वितीय शर्त है हमारी IC वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नत उदर अर्थात कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होना चाहिए। आप देख सकते हैं चित्र में PL कीमत रेखा है जबकि IC1, IC2 और IC3 अलग अलग तटस्था वक्र हैं। एक चीज ध्यान रखें दोस्तों, जैसे जैसे ऊपर वाले तटस्था वक्र पर जाएंगे संतुष्टि बढ़ती जाती है, ये नियम है। आप इसकी विशेषताएं पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। अब हम देख सकते हैं चित्र में ए बिंदु पर IC2 और PL की मत रेखा दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, लेकिन इस बिंदु पर ए बिंदु पर MRSXY ग्रेटर देन PX/PY है। क्यों है? क्योंकि ए बिंदु पर IC2 का ढाल कीमत रेखा के ढाल से अधिक है। इस कारण से उपभोक्ता क्या करेगा, उपभोक्ता एक्स वस्तु का उपभोग बढ़ाएगा और वाई वस्तु का उपभोग घटाएगा और वो ई बिंदु की ओर आ जाएगा। ऐसे ही बी बिंदु पर भी उपभोक्ता संतुलन में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बी बिंदु पर MRSXY लेस देन PX/PY अर्थात तटस्था वक्र का ढाल कीमत रेखा के ढाल से कम है, तो इस कारण से उपभोक्ता एक्स वस्तु का उपभोग घटाएगा और वाई वस्तु का उपभोग बढ़ाएगा जब तक कि वो ई बिंदु पर नहीं पहुंच जाता। अतः उपभोक्ता का संतुलन ई बिंदु पर होगा जहां MRSXY बराबर PX/PY है अर्थात तटस्था वक्र का ढाल कीमत रेखा के ढाल के बराबर भी है, तथा द्वितीय शर्त कि IC वक्र मूल बिंदु के प्रति ऊर्ध्वाधर है इसलिए वो ई बिंदु पर संतुलन में होगा। और आप देख सकते हैं यहाँ सबसे ऊंचे तटस्था वक्र पर वो उपभोक्ता संतुलन में है इसलिए उसको संतुष्टि भी ज्यादा मिल रही है। बिंदु ए, बिंदु बी और बिंदु ई की हम व्याख्या कर चुके हैं, आप उस व्याख्या को समझ लें और इन की पॉइंट्स की सहायता से अपना निष्कर्ष निकाल लें। इस चित्र के द्वारा हमने ये बताने की कोशिश की है कि उपभोक्ता का संतुलन जब IC वक्र उन्नतोदर होगा तब होगा, नतोदर होने की स्थिति में उपभोक्ता का संतुलन नहीं होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं चित्र में PL कीमत रेखा ई बिंदु पर IC वक्र को स्पर्श करती है, तो ई बिंदु ये संतुलन बिंदु है जबकि डी बिंदु संतुलन नहीं है क्योंकि वहाँ IC वक्र और IC वक्र का ढाल और कीमत रेखा का ढाल तो बराबर है लेकिन वहाँ IC वक्र उन्नतोदर नहीं नतोदर है। इसलिए ध्यान रखें जब तक दोनों शर्तें पूर्ण नहीं होंगी तब तक उपभोक्ता का संतुलन नहीं होगा।